शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बखारी में 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए टीकाकरण केंद्र में कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। जनपद पंचायत शिवनी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतीक्षा राजपूत के मुख्य आतिथ्य एवं जनपद सदस्य श्रीमती सरोज उइके, सरपंच संघ के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह राजपूत एवं स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीनेटर वेरीफायर के माध्यम से टीकाकरण का कार्य अनवरत जारी है। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। आज जो वैक्सीन मैं यही पूछना चाहूँगी कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन आई है बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि कि हम लोगों को वैक्सीन लगने के बाद प्रोटेक्ट हुए हैं हम लोग, तो अभी बहुत कम हमारे ज़िले में, हमारे आसपास में इस टाइप के केसेस अभी कम सुनने में आ रहे हैं कि हम लोग जो वैक्सीन की दो डोज लगवा चुके हैं उससे हम लोगों को बहुत राहत है। और मैं चाहूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाए और आजू बाजू में भी अपने आसपास में बताएं कि भी यह वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपने प्रोटेक्ट हो सके और बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके। बच्चे खेलने जा रहे हैं और सभी पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, बार बार हाथ धुलने के लिए बार बार बोलते रहें, क्योंकि कि वैक्सीन लगने के बाद में ये ढिलाई नहीं होना चाहिए कि अब वैक्सीन लग चुकी है तो मास्क न लगाएं। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ आए हुए गेस्टों सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बखारी में वैक्सीन का कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगना है, तो उन सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस मुफ्त वैक्सीन का लाभ उठाएँ और अपने शारीरिक को मजबूत बनाएँ और वैक्सीन लगवा के आप कोरोना के संक्रमण से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि इसके बाद जब ये वैक्सीन लगेगी तो पैसे में लगेगी और यहाँ भी मुफ्त में लगाई जा रही है और वो भी खुद सुविधा के साथ, इसका लाभ उठाएं। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए मुफ्त वैक्सीन का इंतजाम किया। और जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जूझ रहा है कोरोना की महामारी से, इससे बचने के लिए बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग और जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है, कृपया उसका बिना उसकी मतलब जानकारी लेकर वैक्सीन का पालन करें और मास्क लगाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, क्योंकि अभी भी कोरोना की लक्षण सभी चालू ही है, कोरोना की पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है, इसलिए आप थोड़ा अपने ध्यान दें। सूचना देना चाहेंगे मैडम? बस बच्चों को यही सूचना दूंगी कि बच्चे अपनी डाइट अच्छे लें, क्योंकि कि पिछले बार भी जो कोरोना आया था तो पहली लहर के समय भी यही आया था हमारे WHO की, उसमें भी कि आप खान पान का विशेष ध्यान रखें, खाना अच्छे से खाएं, नींद पूरी लें, तो ये जो अपनी बीमारी है ये थोड़ी कम घातक है और दो गज की दूरी बनाते हैं। मैडम, SW24 और अपना प्रदेश की ओर से आप देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी कोरोना की दवा आ चुकी है, तो दो डोज जो लग चुकी है हमारे 60 प्लस वालों को और हम लोगों को, कि जो लगी है उससे हम लोगों को बहुत राहत है, क्योंकि इस बार इंदौर में, दिल्ली में, भोपाल में कोरोना के केसेस आ गए हैं, लेकिन अभी जिले में नहीं आए हैं, लेकिन आने के बाद भी लोग मतलब ख़त्म नहीं हो रहे हैं, पिछले बार हमने अपनों को खोया है उस चीज़ से राहत। मैडम, अभी जैसा 9वीं और 10वीं जारी बारिश की परीक्षा हो रही है, उसमें बच्चों की सबसे सामना कि आपकी ऑफलाइन पेपर हो, ऑनलाइन पेपर हो, या आपके ऑफलाइन के एग्जाम पे आपके रिजल्ट हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं होगा। अगर मोदी जी ने पिछले बार 12th की पास कर दी थी, लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आगे के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए बच्चों से मैं बोलूँगी कि बच्चे पढ़ाई अपने अच्छे से करें, अपनी ये सोच के ना करें कि मोदी जी हो सकता है कि पिछले बार जैसे हम लोगों को पास कर लें, ये सोचते हुए अपनी पढ़ाई को कम ना करें, जारी रखें। आज जो वैक्सीन लग रही है आप लोगों के लिए, जैसे भारत सरकार बताया जाता है कि भाई वैक्सीन लगवाना जरूरी है, कोरोना महामारी चल रही है, जैसे आप लोगों को वैक्सीन लगी, आप इसके बारे में कैसा अनुभव महसूस करना चाह रहे हैं और अपने साथियों को क्या बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना चाहिए या उससे कुछ फ़ायदे जो भी हो वो आप खुद बताएंगे? आज हमारे मतलब कि स्कूल में टीचर्स आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर आए हुए हैं वैक्सीन लगाने के लिए, तो वैक्सीन क्या है कि उससे डरना नहीं है, महामारी है, मतलब महामारी इतनी बड़ी है कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मतलब कि पहले बड़े बुज़ुर्गों को लगती थी वैक्सीन, पर अब ये महामारी बोलते हैं बच्चों में भी आने की संभावना हो रही है, जताई जा रही है,
तो हमारा तो ये मानना है कि वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है, अच्छा भी है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर कुछ मतलब डरते हैं या किसी कोई कोई मतलब कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी मतलब दिमाग में बातें चलती रहती हैं लोगों की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी मतलब कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। अपना भारत देश ही नहीं मतलब कि पूरा भारत देश ही मतलब कि पूरा संसार दुनिया ही इस महामारी से जूझ रही है, जिसके लिए हम लोगों को सामने आकर मतलब कि उस महामारी को मतलब कि कम करना है, उसमें योगदान देना है। हमें सब चीज़ का ध्यान रखना है, इस महामारी को मतलब कि फैलने से रोकना है, इसलिए वैक्सीन का बहुत ज़रूरी योगदान मतलब वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स को, टीचर्स को मतलब यही मतलब एडवाइस दूंगी कि वैक्सीन ऐसा है कि बहुत ज़रूरी होता है लगाना, और इससे क्या होगा कि वैक्सीन लगाने से जो कोरोना महामारी है या और भी जो बीमारियां आ रही हैं उससे थोड़ा बहुत हमको क्या है कि मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब वो अच्छा लाभदायक होगा। और हमें इस चीज़ से डरना नहीं है कि वैक्सीन से ऐसा ये सब हो सकता है, बेझिझक लगाइए आप सब। हम भी बस सबसे यही कहेंगे कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और भी मतलब कि और भी उसके बताए गए हैं कि 2 गज की दूरी रखना, मास्क लगाए रखना, और मतलब सैनिटाइजर से हाथ धोए रखना, मतलब साफ़ सफाई रखना आसपास, अपने आसपास सब चीज़ों से साफ़ सफाई रखना, और मतलब सबको ये बताया जा रहा है कि मतलब भारत सरकार ने जो नियम लागू किए हैं हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए, वो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। भारत सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, और जो उन्होंने वैक्सीन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।